नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विद सचिन बोरम फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन है कि मेरी बॉल या तो फुल टॉस पड़ जाती है या तो ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाती, सही लेंथ में, गुड लेंथ में और फुल लेंथ में जहाँ डालना चाहते हैं वहाँ पर नहीं जाती। एक वीडियो में पहले भी मैंने बताया था कि किस तरह से अपनी लेंथ को ठीक करना है, बट ये वीडियो सिर्फ उसके लिए जिसकी ज़्यादातर फुल टॉस जाती है और ज़्यादातर शॉर्ट जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो आपके हाथ की प्रॉब्लम है, हाथ की ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम बॉल को रिलीज करते हैं यानी हाथ से छोड़ते हैं, छोड़ते समय आपने कहाँ से बॉल को छोड़ना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से बॉल का फुल टॉस जाना और फुल लेंथ जाना, गुड लेंथ जाना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप खुद आजमा के देखना, क्योंकि जब मैं यहाँ से बताऊँगा तो आपके समझ में शायद ना आए। जब आप बॉल को पिच में जाके, ग्राउंड में जाके रिलीज करेंगे ना हाथ से, तब आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पर से छोड़ने से मेरी बॉल शॉर्ट जाती है और यहाँ से जाती है फुल टॉस। दोस्तों, इसमें जब भी आप बॉल को रिलीज़ करते हैं, इसमें एक चीज़ का याद रखना कि जब आप रिलीज करते हैं, ये देखिए कहाँ से आप बॉल को छोड़ रहे हैं। एक तो ये पोजिशन होती है, देखो यहाँ से बॉल, आप बॉलर आया है और यहीं से छोड़ दिया उसने, यहाँ से बॉल को हाथ से छोड़ते ही आपकी फुल लेंथ जाएगी या फुल टॉस जाएगी। ज़्यादा पीछे से छोड़ोगे तो फुल लेंथ और फुल टॉस जाएगी, थोड़ा सा यहाँ से इतने में आके छोड़ोगे तो वो गुड लेंथ के एरिया में जाएगी, और जब आप यहाँ से इतना दोगे ना, यहाँ से छोड़ोगे बॉल को, तो तब आपकी बॉल शॉर्ट जाएगी। इस बात का हमेशा याद रखना, एक बार ग्राउंड में जाके ये करके देखना खुद, तब आपको यकीन आएगा कि हाँ ऐसे होता है। क्योंकि जब हम एकदम यहाँ लाते हैं, आप इंटरनेशनल या कोई भी मैच में देखना, बॉलर जब पटकाता है तो यहाँ से छोड़ता है, जब बाउंसर मारता है तो यहाँ से छोड़ता है बॉल को ऐसे करके, तब उसका बॉल बाउंस होके जाता है, इसीलिए शॉर्ट बॉल पड़ता है। सेम उसी का जब यहाँ से छोड़ देता है तो वो सीधे आगे जाता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ऊपर से कवर होता है ऐसे करके। तो ये इतना ही डिफरेंस है। जिस भी फ्रेंड का बॉल शॉर्ट जाता है उसका मतलब ये गलती करता है कि यहाँ से पटकता है बॉल को, और जिसका फुल टॉस जाता है वो ऊपर से फेंकता है इसलिए ज़्यादा फुल टॉस जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपका ज़्यादा बार बार शॉट पड़ता तो इसका मतलब आपने यहाँ से नहीं पटकाना बल्कि ऊपर से ही छोड़ देना, यहीं से छोड़ देना बॉल को, और जिसका ज़्यादा फुल टॉस जाता है वो ज़्यादा पीछे से फेंकता होगा, वो यहाँ आने के बाद छोड़ना है। उसके बाद जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक स्पॉट बनाइए, जगह बनाइए, जगह बनाने के बाद पिच में आप एक मार्क कीजिए, मार्क में कंटिन्यू आप उस जगह पर बॉलिंग करिए। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि रिलीज आपने कैसे करना, तब जाके आपका परफेक्ट बॉल जाएगा। रिलीज के ऊपर लगभग पूरा डिपेंड है, और उसके अलावा बाकी मार्क करके अलग अलग जगह, गुड लेंथ, फुल लेंथ में अलग अलग जगह कोई चीज़ रख के लगभग कंटिन्यू वहीं पर बॉलिंग का प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपका बॉल परफेक्ट जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।